मिस्टर प्रशांत सावंत सर भी जुड़ रहे हैं। प्रशांत सर, एक शेयर में जरा देखता हूँ, हमारे एक व्यूअर ने नोटिस करवाया, शेयर उसी से शुरू करते हैं। ACRSIL देखो मिल नहीं रहा है शेयर, ACRSIL ठीक है, अगर ACRYSIL होगा सर, ACRYSIL होगा उनका शेयर, मैंने अपनी स्क्रीन को कर रखा शेयर, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। ACRYSIL 500-600 रुपए का 9% ऊपर है, क्या ये ब्रेकआउट कैंडिडेट है क्या लिंबी जी? क्या ये सिर्फ बीएससी पे है? हाँ सिर्फ बीएससी पे ही है, मेरे को तो बीएससी पे मिला सर, अब मैंने एनएससी चेक नहीं किया अभी। जी जी नहीं, एनएससी में नहीं है। एक बार डिम्पी जी इसको डेली चार्ट बना दे। हाँ बिल्कुल, मैं इसको डेली चार्ट कर लेता हूँ सर, ये लीजिए जी। डिम्पी जी ये एक ब्रेकआउट तो हो चुका है, बट करंट कंसोलिडेशन में है, अगर आपके पास है तो ठीक है, आप इसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दो 545 का, न्यू एंट्री नहीं बन रही है, ब्रेकआउट हो जाने दीजिए फिर देखेंगे। अच्छा, काफी सारे लोग बता रहे हैं एनएससी पे भी है, बट इसको सिर्फ बीएससी से देख लेते हैं, एनएससी बीएससी को ज्यादा चेंज नहीं होगा। अभी आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो पहले से लोग बने बैठे हैं उनको रहना है ना, उनमें तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना, 545 का बिल्कुल दिक्कत नहीं, हो सके रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाए तो नए लोग भी एंटर कर लेंगे, पुराने को तो बने ही रहना। अच्छा, जिन्होंने सर कॉल दिया है ना वो भी ये बता रहे हैं कि 660 रुपए का उनका टारगेट है अपना, और कह रहे हैं कि इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, ऐसा उन्होंने बताया सर, उन्होंने लिखा है ना, फंडामेंटल चेक करने का समय नहीं रहा है, लेकिन वो 660 का टारगेट है। आप भी 660 के टारगेट को एंडोर्स करते हो सर? आ जाएगा 660 का टारगेट? जी डिम्पी जी, अच्छे मोमेंटम में लग रहा है, 60 रुपीज अगर 620 तो मुझे दिख ही रहा है, बट पहले ब्रेकआउट हो जाने दीजिए फिर ऊपर टारगेट टारगेट्स का बात करेंगे, पर 620 तो डेफिनेटली जा सकता है। ओके ठीक है सर, अब मैं एक चीज आपसे कुछ आपको अपडेट देने तो स्पीड से दे दीजिए तो सर, शेयर बहुत है कुछ जी, सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए SOTL, SOTL ये हमने रेकमेंड किया था 1275 पे, SOTL। ओके सविता भाई, यस 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 जी, ये 1275 के आसपास रेकमेंड किया था इसने, ये कंसोलिडेट ही हो रहा है बट इसमें बने रही है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ये फिर से उस प्राइस पे आया था, कोई तकलीफ नहीं है, आप बने रहिए, ये ऑलमोस्ट 10% अप है ओवरऑल हमारे बाइंग से, इसमें बने ही रहेंगे। मुझे इसमें 1550 का टारगेट जो मैंने पहले बताया था वो दिख रहा है, और शायद ये बहुत जल्दी भी आ सकता है, तो इसमें होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, इसको एक बार होल्ड करके रखते हैं सर, इसके अलावा कोई और शेयर? सेकेंड अपडेट, जो परसों जब मार्केट बहुत शेकी था, सारे लोग शॉर्ट की बात कर रहे थे, 15200 15100, तभी मैंने एक शेयर कहा था इंडसइंड बैंक, और मैंने 971 पे बाय दिया था, विस्टर स्टॉप लॉस ऑफ 945 फॉर अ टारगेट ऑफ 1020। सर सामने चल रहा है इंडसइंड बैंक, अभी करें क्या, आज दे फ्री हो जाए इससे? जी नहीं बिल्कुल, लेके जाइए डिम्पी जी, इसमें से निकलिए मत, बने रहिए। अच्छा बने रहना, इसमें से निकलना नहीं है जी? ठीक है चलिए, बड़े बने रही है, मेरे को लगा 75 का माल है, अब 1000 ऊपर 25-30 रुपए ऊपर आ गया, वो भी इंडसइंड जैसा शेयर ऊपर आ रहा है, तो आप शायद इसमें प्रॉफिट बुक कराएंगे, बट ठीक है आप कह रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट बुक करना, बने रहना इसके अंदर। सर कोई और अपडेट आप बताना चाहते हो बता दीजिए फिर स्क्रीन से। जी डिम्पी जी, और एक अपडेट मेरा यही है कि बैंक निफ्टी, अगर आपको याद है मैंने कहा था कि मुझे काफी बुलिश लग रही है और बहुत अच्छे से पिकअप हो सकती है, तो ये जो लेवल चल रहा है यहाँ पे क्लोजिंग हो जाए कल के, कल इसमें देखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कल इसमें एक बड़ी मूव आ सकती है, कल या परसों में, और ये एक्सपायरी बैंक निफ्टी को अराउंड 36,400 जा सकती है इसी एक्सपायरी में, तो कल इसमें ट्रेड देखें कि सारे बैंक्स पिकअप हो चुके हैं इंडिविजुअली अगर हम देखें, और उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग सर एक्सपायरी में कितना जा सकता है बैंक निफ्टी 24 तारीख के जो इस एक्सपायरी का टारगेट मुझे समवेयर बिटवीन 35,900 टू 36,400 दिख रहा है। सर आपको पता है ना 21 तारीख या 24 तारीख एक्सपायरी है, 3 दिन के अंदर बैंक निफ्टी। जी मैं वही हिसाब से बता रहा हूँ कि कंजर्व ये यहाँ तक जा सकता है 36,400 तक इसी एक्सपायरी में, सपोर्टेड वेल बाय HDFC बैंक, SBI एंड एक्सिस बैंक, सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक। ओके ठीक है, एक्सिस बैंक बता दें, फिर बता दीजिए सर एक्सिस बैंक भी ले लेते हैं फिर अगर आपको ठीक ही लग रहा है तो। ट्रेड हमने बना ही लिया है, अगर आपको याद है 730 पे रेकमेंड किया हुआ था और उसमें बने हुए ये एक पोजिशनल ट्रेड दिया था मैंने
विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 670 फॉर अ टारगेट ऑफ 880, तो हम बने हुए हैं उसमें कोई अभी ले सकता है कोई एक्सिस बैंक को, मान लो कोई भी किसी को भी लेना है, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं रिमी जी। और मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक आपको पोजिशनली लेके पोर्टफोलियो में रख देना चाहिए, अगले एक से डेढ़ महीने में ही इसका टारगेट आ जाएगा और हम प्रॉफिट भी बुक करेंगे, ऐसा मुझे डेफिनेटली लग रहा है। ठीक है, डन। एक बार एक्सिस बैंक का प्रॉफिट यहाँ पे बुक लेके भी जा सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो और नया लेना तो नया भी ले सकते हो। बैंक निफ्टी के जो टारगेट सब दे रहे हैं वो बहुत गजब के टारगेट है, और किसी को अगर इंडेक्स भी ट्रेड करना तो गो टू द बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी फाइनली उस रेंज को पार कर रहा है जिसको बहुत तकलीफ दिखाता था। मैं आपके सामने फिर से बैंक निफ्टी लूंगा एक मिनट, और ये बताने के लिए कि क्यों मैं इस लेवल की आज एंडोर्समेंट कर रहा हूँ कि ये बहुत जोर से चलेगा। अब आप देखिएगा बार बार मैं इसको आवरली की जगह एक मिनट के लिए 15 मिनट तक काट करूंगा, थोड़ी देर और क्लियर हो जाए। देखिए ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा, इसलिए हम इस गैप डाउन हुए, गैप है ऑलमोस्ट सभी चीजों को खत्म कर रहे हैं, ये पुराना कश्मकश वाला रेंज निकल गया हमारा। आप ये बात मान के चलेगा कि मोटा मोटी मैं आज पहली बार अच्छे से, जिसको मैं बोलूंगा 11 जून के बाद 21 जून, 10 दिन के बाद मैं आज अच्छे से इस लेवल को क्लोज करके जा रहा हूँ, अच्छे से इसके अंदर बैकवर्ड वॉल्यूम, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आगे काम आएगा। बैंक निफ्टी जरूर ध्यान रखेगा, और मेरा अपना टारगेट खुद से भी था, हालांकि हम कह रहे थे कि 35,700 तक पहले जा सकती है, ऑलमोस्ट सर भी वही कह रहे हैं कि 35,700 तक भी चली जाए कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अच्छा एक ना सविता वाली की अपने प्लेट गलत दिखा देती है, उसको हम ठीक कर देते हैं, पार्था जी उसको हम ठीक कर देते हैं और आपको वापस से ठीक दी जाएगी। सर कोई और अपडेट देना है जिसका मैं शेयर पूछूं टाइम का? जी एक लास्ट टॉक पे मुझे बात करना था जो मुझे पोर्टफोलियो के लिए अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आप जब भी जस्ट मेरे आने के पहले आप उसी बारे में बात कर रहे थे, वो शेयर है नौकरी इन्फो एच। तो डिम्पी जी इसका करंट मार्केट प्राइस अराउंड 4,970 जो है वो चल रहा है। मैं इसमें एक पोजिशनल जिसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं उस तरह से एक ट्रेड देख रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस इसमें बन रहा है अराउंड 4,700 जो कि यहाँ से 270 पॉइंट्स डाउन है, और मेरा टारगेट इसमें बन रहा है 5,850। ये मेरा एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा। ओके ठीक है, वो हम नीचे लिख देते हैं टारगेट स्टॉप लॉस, पोर्टफोलियो के हिसाब से नौकरी रखो। वैसे शेयर 5,000 का, इसमें थोड़ा ध्यान रखिए सर। ABFRL के नाम से कंपनी जरा चेक करना, ABFRL और इसे बिरला फैशन रिटेल 200 रुपए का है। कुछ करना है कि रेंज में फंसा हुआ शेयर है? मेरे को तो रेंज दिख रही है सर इसकी, मैं आवरली कर लेता हूँ, रेंज ही है। डिम्पी जी इसमें रेंज में फंसा हुआ शेयर है डेफिनेटली, और शायद ये रेंज मेरे हिसाब से कल या परसों में ब्रेकआउट हो जाए तो इसको हम रडार पे रखेंगे, और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसमें एंट्री की बात करेंगे। फिलहाल कोई भी एंट्री ना करें, और जिनके पास है वो एक अराउंड 190 का ट्रेलिंग स्टॉप्स लगा के होल्ड कर दे इसको। ये रेंज ब्रेकआउट कहाँ पे मानोगे आप, 204 पे मानोगे, 208 पे मानोगे? 205 पे मानूंगा मैं, 205 पे आप मानोगे कि रेंज ब्रेकआउट हो गया, 198 का स्टॉप लॉस रख ले इसमें। ABRFL आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड इसका पूरा नाम है, 198 का स्टॉप लॉस रख लो, होल्ड द शेयर। ABFRL को हम कीप वॉच भी कर रहे हैं, इसके अंदर 205 की बात का ब्रेकआउट भी मान लेंगे। सर अब मैं ले रहा हूँ जरा स्पीड से सवाल, पहला लेता हूँ इरकॉन इंटरनेशनल का, एक बार जरा इरकॉन आप देख लीजिए फिर मैं और स्पीड से लेता हूँ। इरकॉन इंटरनेशनल एशिया रेलवे से जुड़ी कंपनी, 40 रुपए का शेयर है, 1% ऊपर है। डिम्पी जी एक सपोर्ट जोन पे है, तो एक जिनके पास है वो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। मैं इसमें कोई न्यू एंट्री नहीं करूंगा, काफी वीक लग रहा है मुझे। ठीक है, नई एंट्री नहीं करेंगे, जिनके पास है वो होल्ड करेंगे। सर एक बार जरा ना डीपी वायर के नाम से एक कंपनी है, मेरा डीपी वायर से एक बार जरा वो चेक कीजिएगा, 174 रुपए का शेयर है, क्या ये कुछ ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है क्या? डिम्पी जी ये शेयर ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई जोन में है जितना मुझे दिख रहा है, और इसमें जो भी इन्वेस्टेड रहेंगे वो बने ही रहे। न्यू एंट्री तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है, बट जो इन्वेस्टेड है वो बिल्कुल इसको होल्ड करके रखे। आप कंजर्वेटिवली एक 155 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के इस ट्रेड में बने रहिए, काफी पोटेंशियल है। न्यू ब्रेकआउट हो तो आगे देखेंगे, बट जो है वो डेफिनेटली बने रहे। ठीक है, इसमें जिनके पास पोजीशंस है वो तो जरूर बने रहे, लेकिन जिनके पास पोजीशंस नहीं है वो अंदर आए नहीं,
अच्छा, इसके अलावा नितिन जी अभी कह रहे हैं, नितिन कुमार जी उनका कहना है कि बैंक निफ्टी में व्यू अभी थोड़ी देर पहले दिया, बैंक निफ्टी में व्यू आप इसके अंदर बिल्कुल बने रहो, बैंक निफ्टी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश लेना है तो ले भी सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी आप रखिए एक बार, इसमें मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। सर एक बार जरा मैं आपसे कुछ और शेयर ले लेता हूँ, ऑन मोबाइल ग्लोबल एक बार जरा देख लो, फिर गुजरात गैस लूंगा। ऑन मोबाइल ग्लोबल सर 115 जी डीपी जी, ये एक बहुत मेजर सपोर्ट के यहाँ पे आया है, वो सपोर्ट है 105 का, तो मैं कहूंगा जिनके पास भी है 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करो, इस ट्रेड में पोटेंशियल है कि यहाँ से बाउंस करे तो ये बहुत अच्छा चलेगा, तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टर काइंड ऑफ मेंटालिटी हो तो आप इसमें बने रहे, और आपको न्यू एंट्री भी लेनी है तो 100 के स्टॉप लॉस से आप ले लीजिए। ठीक है सर, एक शेयर आपसे पता करना है, कौन सा शेयर था जो बार बार पूछा जा रहा था, मिस हो गया वापस के ध्यान नहीं मिल पाया, गुजरात गैस सर, गुजरात गैस कुछ बता भी रहे थे इसके बारे में, कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा गुजरात गैस का, ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं बोला होगा। डिम्पी जी बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है मुझे, और आप डेफिनेटली इसको होल्ड करके रखिए, इसमें कोई भी मतलब एग्जिट लेने के लिए जरूरत मुझे दिख नहीं रही है, ना कोई पैनिक दिख रहा है, कंफर्टेबली होल्ड कीजिए, बस ये है कि एज अ न्यू इन्वेस्टर या न्यू ट्रेडर मैं इसमें एंट्री नहीं देख पा रहा हूँ, बट जो भी इसमें ऑलरेडी है आप बने रहिए, आपके लिए सिर्फ एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा अराउंड 660 का, या आपको अगर लंबा होल्ड करना है तो आप 650 भी कर लो, बट इसको होल्ड करो। अच्छा इसको होल्ड कर ले, वैसे कोई दिक्कत तो जी बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, लास्ट का एक मिनट ही रह गया, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल तो मैं और ले ही लेता हूँ, एक बार जरा नया मीडिया और चेक कर लो, फिर अशोक लीलैंड देखेंगे, एक बार जरा नया मीडिया देख लो, इसके बारे में हालांकि कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, नया मीडिया। डिम्पी जी नया मीडिया जो है वो एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन में चल रहा है, काफी बार पिकअप करता है और स्टॉप लॉस की तरफ वापस आता है, तो मैं थोड़ा सा इस शेयर से दूर रहता हूँ फिलहाल, इसमें मैं कोई एंट्री नहीं देख रहा हूँ, वीक लग रहा है मुझे, तो मैं इससे दूर रहूंगा। ठीक है, इससे आप दूर रहेंगे, कोई बात नहीं, इससे एक बार दूर रह सकते हैं हम। एक शेयर जो है और लेना था मेरे को, अशोक लीलैंड एक बार और देख लो सर आप, अशोक लीलैंड इसलिए के जी डिम्पी जी, इसमें 109 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और होल्ड कर लीजिए, आपके पास अगर नहीं है तो आप एंट्री करके भी 109 का स्टॉप लॉस लगा दो। ये शेयर हम इसलिए नहीं ले रहे कि यहाँ से ये पिकअप होगा, हम ये इसलिए ले रहे हैं कि इसका बहुत लो रिस्क एंट्री यहाँ पे बन रही है, तो 109 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंट्री कर लीजिए। ठीक, एक शेयर है सर फिनिक्स मिल, फिनिक्स मिल के नाम से आपको एक शेयर मिल जाएगा, बड़ा वो जरा देखिएगा मिल, शेयर मिल लेना, अभी देखे मैं देख के देखता हूँ सर, उसमें अगर वापस मिलेगा तो मैं ये शायद फिनिक्स लिमिटेड है, वही है क्या? हाँ वही है, सर बॉम्बे वाली कंपनी है जिनके पास पहले फिनिक्स मॉल वगैरह चलते हैं ना, वही कंपनी जी। तो डिम्पी जी शायद अराउंड 790 है, PHOE। ओके मिल गया सर, फिनिक्स मिल, ठीक है 808 जी। डिम्पी जी ये एक बहुत बड़े सपोर्ट से बाउंस हुआ है, मैं कहूंगा कि इसमें आप पोजीशन बना लीजिए, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आपके लिए स्टॉप लॉस है इसमें अराउंड 785, आप ये स्टॉप लॉस पक्का सिस्टम में लगा दीजिए, और ये स्टॉप लॉस के साथ आप इस ट्रेड में एंटर कर लीजिए, मुझे इसमें टारगेट दिख रहा है समवेयर इन द रीजन ऑफ 890 से लेके 910। ठीक है, तो आप ही कह रहे हैं कि एक बार इसके अंदर एंटर किए जा सकते हैं फिनिक्स मिल के। ठीक है, स्टॉप लॉस टारगेट हम नीचे लिख देते हैं, एक बार जरा आप उसको देख लीजिएगा। एक सर लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक बार जरा इसके आपका व्यू कर लीजिए। डिम्पी जी ये शेयर मुझे लग रहा है पिकअप हुआ है, जो फ्राइडे का मूव आया था नीचे वो एक मेजर सपोर्ट पे आया था विच वॉज अराउंड 75 to 77, वही से बाउंस हुआ है, मैं कहूंगा वही लो आपका स्टॉप लॉस है, और आप इस ट्रेड में बने रहिए, ट्रेड में बने रहे।
जी ठीक है, 726 इज द स्टॉप लॉस और आप होल्ड कर लीजिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज आपने समय दिया। और हम कल, अच्छा एक काम और करते हैं, जरा किरी इंडस्ट्रीज के बारे में लीजिए, बीटीएस तो खैर होगा ही नहीं अब, कभी नहीं होगा सर, लेकिन फिर भी किरी इंडस्ट्रीज का एक बार आपका व्यू मैं आपसे पता कर लेता हूँ। थोड़ी देर पहले हमने लिया था वैसे किरी इंडस्ट्रीज को, एक बार सर आपका व्यू पॉइंट 650 12% ऊपर किरी इंडस्ट्रीज जी, आप इसकी परसों की कैंडल देखेंगे तो मैंने जो सुबेक्स के बारे में कहा था यही इसने किया। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें, इसने 5-6 दिन के लो को तोड़ के सारे वीकर हैंड्स को रिमूव कर दिया परसों, और उसके बाद ये मूव दे रहा है तो बिल्कुल अच्छे से इसने मूव दिया, ये वैलिड ब्रेकआउट है क्योंकि इसने पहले शेकआउट कर लिया है, तो इसमें आप बने रहिए, डेफिनेटली ये अच्छा चल सकता है, बने रहते हैं इसके अंदर और ये बेहतर शेयर पे चल सकता है किरी इंडस्ट्रीज, होल्ड इट। अभी आप नए वाले तो देख के आएंगे, देख के आना अभी, बट जिनके पास है वो जरूर यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। आज मार्केट बंद हो गया, समय भी पूरा हो गया, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। एक काम कीजिए, क्योंकि क्लोजिंग में ना बहुत सारे लोग फिर अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग दो सेशन हमने जानबूझ के रखे हैं ताकि इसके अंदर ना क्वेश्चंस का बंटवारा किया जा सके, किसी का मॉर्निंग में तो किसी का इवनिंग में, किसी ने किस तरह से ले, लेकिन फिर भी जिनके क्वेश्चंस छूट जाएंगे उसका एक और तरीका भी ढूंढ रहे हैं, वो तरीका ऑलमोस्ट हमने ढूंढ ही लिया है, जल्दी उसको भी लॉन्च कर दें, किसी का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं और सबके सवाल लेंगे, तो हम ऐसा कर देंगे कि आप जब भेजो तभी सवाल तभी आंसर, ऐसा कुछ मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहे हैं कि जैसे आपने बात तो रात को 11 बजे बैठे हो, आप अपने शेयर्स के बारे में कुछ पता करना चाहते हो, 11 बजे भेजो, आप आपको जवाब मिल जाएगा, जैसे भेजोगे वैसे ही जवाब मिलेगा, व्हाट्सएप करोगे तो व्हाट्सएप भी बता देंगे, ऐसा कुछ बना रहे और जल्दी से जल्दी हो जाएगा, वो भी ठीक। कुशल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ठीक है सर।